तो गाइज आज वाइफ बना रही है, क्या बना रही हो? पुलाव। हाँ, पुलाव। तो स्टार्टिंग से बताओ क्या क्या है इसमें। तो गाइज जैसा कि आप देख पाओगे यहाँ पर पुलाव का प्रिपरेशन चल रहा है। तो बताओ आप क्या क्या डालें इसमें, स्टार्टिंग से बताओ। तो गाइज आज बन रहा है पुलाव, तो पुलाव की रेसिपी क्या होगी मेरी वाइफ आपको बताएगी। जैसे कि आप देख पाओगे ये राइस है, पुलाव में जाएगा। तो सबसे पहले क्या डाली इसमें, सबसे पहले जो सबसे है पहले ऑयल डाला, सबसे पहले ऑयल डाला है, उसके बाद राई और जीरा, राई और जीरा, इसके बाद मिर्च, मिर्ची और प्याज, हरी मिर्ची और प्याज, उसके बाद में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, मिर्ची पाउडर, मिर्ची पाउडर, के बाद में जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टोमेटो, टोमेटो, और जैसे आप देख सकते हैं कैप्सिकम है, गोभी, और ये आलू, और पनीर, और क्या है, पनीर, और ये है गाजर, बस बस। और मसाले कौन कौन से डाले थे? मसाले बस इतना ही डाला है ना बाबू। अच्छा, जीरा पाउडर वगैरह ऐसा नहीं, कुछ ऐसे कुछ कुछ नहीं भी डाला नहीं है। डाले हैं? अच्छा, और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाले हैं। वो भी डाल रहे हैं राइस, अभी इसके डाल रहे हैं राइस। इसके बाद में क्या करना होगा राइस के बाद? ये पानी रखा है गरम करने के लिए, गरम पानी इसमें डालेंगे। अच्छा, गर्म पानी रखा हुआ है और ये गर्म पानी इसमें जाएगा। और सबसे आखिरी में डालेंगे हम हरे मटर। अच्छा, मटर के दाने सबसे लास्ट में डालेंगे। अभी इसको थोड़ा मिला लेते हैं। को अच्छे से मिलाना होता है क्या? आज जो है घर पे क्रिसमस का सेलिब्रेशन होने वाला है, तो इवनिंग तो आज जो है क्रिसमस का सेलिब्रेशन भी है, तो सेलिब्रेशन का आपके साथ शेयर करते हैं। आप देख सकते हैं पानी गर्म हो चुका है, तो गर्म पानी इसमें डालते हैं। रब थोड़ा सा स्टर करेंगे, वैसे तो हम दोनों को स्पाइसी पसंद है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद में इसको स्टीम करेंगे। नमक का नहीं? नमक धीमी आंच पे पकाना है इसको, है ना? इसको कितना देर अभी इसको रखना पड़ेगा यहाँ पे? 15 मिनट्स। और ऊपर से डालेंगे थोड़ा बटर। ओके, तो गाइज ये देख पा रहे होंगे आप, बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है। इसके ऊपर ऑलमोस्ट में ये कुक हो ही गया है, इसके ऑलमोस्ट ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा बटर। एक सेकेंड, इसके ऊपर में बटर। तो गाइज अभी बटर डाल दिए, इसके ऊपर जाएगा कोरिएंडर और ये पत्थर उसके ऊपर रखे हुए। बटर पूरा मेल्ट हो चुका है।
कोरिएंडर मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, इसलिए थोड़ा कम है कोरिएंडर। गाइस इसको थोड़ी से और स्टीम करते हैं। ये पत्थर रख दो। धीमी आंच पे कितना देर इसको और कुक करना होगा? 5 मिनट हो गए हैं और 10 मिनट कुक करते हैं। ओके। तो गाइस क्रिसमस का केक भी आ चुका है एंड हमारा जो पुलाव है वो भी बन के रेडी है, तो अभी इसे टेस्ट करेंगे। तो गाइज अभी थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, इसे थोड़ा टेस्टिंग के लिए लिए है, देखते हैं कैसा बना हुआ है। होम टूर भी आपको करवाएंगे कि घर कैसा है क्या है, नेक्स्ट वीडियो होम टूर का भी आएगा, बट फिलहाल हम इस जो बना हुआ है उसे हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। बाबू आ जाओ इधर। सारे स्पाइसेस जो है काफी डिलीशियस लग रहा है। काफी डिलीशियस है। एक बाइट। तो गाइस सच में काफी डिलीशियस हुआ है। पनीर भी मैं टेस्ट कर लेता हूँ। अहम। और ये है सोयाबीन की बड़ी। काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहा है ये। एक बाइट लो। काफी डिलीशियस है।